नमस्कार, एम के एन के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में काफी लंबे वक्त से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ बागी रुख अपनाया जा रहा है और हटाने की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार में तनातनी की खबरें बीते कई दिनों से सुर्खियां बन रही थी। अब इस घटनाक्रम में एक नया मोड़ आ गया है। मंत्री टी एस सिंहदेव जहां पिछले चार दिन से दिल्ली में ही हैं, तो कांग्रेस हाईकमान ने भूपेश बघेल को भी चर्चा के लिए दिल्ली बुला लिया। वहीं कांग्रेस के 30 से ज्यादा विधायक भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, तो राज्य के कई महापौर भी दिल्ली रवाना हुए हैं। कांग्रेस आलाकमान के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई। खबरों के अनुसार इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश प्रभारी पी एल पुनिया भी मौजूद हैं। बंद कमरे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी की प्रियंका गांधी और प्रदेश प्रभारी पी एल पुनिया की मौजूदगी में मुलाकात की। उधर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के आवास पर करीब 2 घंटे तक कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंचे 3 मंत्री सहित 50 से ज्यादा कांग्रेस विधायक शामिल हुए। इससे पहले मंगलवार को राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव से मुलाकात की थी। देखिए, कल केसी वेणुगोपाल जी का मेरे पास मैसेज आया था, आज राहुल जी से मुझे मिलना है, तो उनके निर्देश पर मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई जानकारी नहीं। अब मैं किसी के देखते भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मुझे हाईकमान ने बुलाया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब ये सब बात मैं मीडिया के माध्यम से सुना हूँ, देखा हूँ, बचत मुझे कोई ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं। ऑफिशियल केवल इतना है कि मुझे दिल्ली बुलाया गया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। सब लोग अपने नेता से मिलने क्यों नहीं जा सकते, उसमें क्या तकलीफ है? मुझे बुलाया गया इसलिए जा रहा हूँ, कोई बिना बुलाए अपने नेता से मिलने गए। और बहुत दिनों बाद, देखिए कोरोना काल के कारण दिल्ली में वैसे कोई जाना नहीं हो पाया, अब उसके बाद अभी गए हैं तो सब लोग अपने नेता से मिलेंगे। अब वेणुगोपाल जी के ये है कि बुलाए हैं, और वो किससे मुलाकात होगी मैं नहीं कह सकता। मैं समझता हूँ राहुल जी से मुलाकात होगी। रायपुर के एयरपोर्ट में लोग आने के बाद लगा है वो भूपेश के स्वागत में जो नारे लग रहे थे, छत्तीसगढ़ खड़ा है और भूपेश के साथ खड़ा है, इसका मतलब ये चुनौती किसको दी जा रही? पहला प्रश्न तो ये उत्पन्न होता है कि भूपेश के साथ ये छत्तीसगढ़ खड़ा है, क्या पहले नहीं खड़ा था? और ये चुनौती जो दी जा रही है खुलेआम छत्तीसगढ़ की धरती से, वो चुनौती किसके लिए है? कोई भारतीय जनता पार्टी वालों की चुनौती है कि केंद्रीय नेतृत्व को साफ साफ कहा जा रहा है कि पूरा छत्तीसगढ़ भूपेश के साथ खड़ा है, छेड़खानी करोगे तो घाटे में रहोगे, और आज विधायकों को भेजकर शक्ति परीक्षण वो भी केंद्रीय नेतृत्व से करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा और किसी पार्टी के अंदर विरोधाभास की स्थिति और विभाजन की स्थिति नहीं दिख सकती। जनजाति के मंत्री, केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आए थे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनके साथ बैठक करना है, अपने विभाग के कुछ बाधित उनके साथ मीटिंग में। नहीं, ऐसा नहीं है अभी, अभी तो बहुत सरकार, अभी तो हमारे कांग्रेस सरकार है, मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। अगर आता है बुलाओ तो ले जाएंगे जी। ठीक, अगर लोग कहते हैं कि जाना है, अदरवाइज मैं अपने सीएम साहब के निर्देश पर ही अभी आऊँ। सीएम ने कहा कि मीटिंग रहना, तो मैंने ये मीटिंग वहाँ सीएम हाउस में होना था, क्योंकि वहाँ चले गए थे, इसलिए मंत्रालय में गमन किया है। क्योंकि अपने विभाग का भी पूरी बात की, अपने राज्य को इसमें पूरा रखना था, मांग को भी रखना था, अपने जो विभाग में जो वर्किंग हो रहे उसकी पूरी बात पर बताना था मंत्री जी को, इसलिए हम लोग मीटिंग में। तो छत्तीसगढ़ में बचे इस सियासी घमासान के बीच में अब देखना यह होगा कि क्या स्थिति बनती है, क्योंकि सियासी उठापटक लगातार बनी हुई है। और प्रियंका गांधी और पीएल पुनिया की मौजूदगी में बंद कमरे में एक मीटिंग हुई है, और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग के बाद एक बड़ा फैसला हो सकता है। ढाई ढाई साल का जो फार्मूला, जिसे लेकर के सियासी गलियारों में लगातार ये चर्चा हो रही थी, इसे लेकर के कई महापौर भी दिल्ली रवाना हुए हैं। सियासी पारा, छत्तीसगढ़ का सियासी पारा इस वक्त बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, सियासी गर्मी देखी जा रही है, और ये भी हलचल महसूस की जा रही है कि आने वाले समय में कुछ भी बड़ा फैसला हो सकता है। मंत्री टी एस सिंहदेव बन सकते हैं मुख्यमंत्री, इसे लेकर के अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं।
लंबे समय से सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भी बागी रुख लगातार अपनाया जा रहा है और उन्हें हटाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। इस तरह की जो तनातनी की जो खबरें हैं पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियां बन रही थीं, सामने आ रही थीं, और अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ आ गया है। मंत्री टीएस सिंहदेव पिछले चार दिन से दिल्ली में हैं और कांग्रेस हाईकमान ने भूपेश बघेल को भी चर्चा के लिए दिल्ली बुला लिया है, क्योंकि चर्चा के लिए मंत्री भूपेश बघेल को बुलाया गया है। तो इसी को लेकर के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के 30 से ज़्यादा विधायक भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, कई महापौर भी दिल्ली रवाना हुए हैं। कांग्रेस आलाकमान के बुलावे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात हुई है। इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद हैं। बंद कमरे में ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की मौजूदगी में ये मुलाकात हो रही है। और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के आवास पर करीब 2 घंटे तक कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंचे 3 मंत्रियों सहित 50 से अधिक कांग्रेस विधायक शामिल हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासी पारा अपनी चरम सीमा को पार करता हुआ, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और इससे पहले मंगलवार को राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव से मुलाकात की थी। मंगलवार को दोनों मंत्रियों से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी और उसके बाद आज बैठक हो रही है। तो उस बैठक का क्या नतीजा निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसे लेकर के बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी के कई नेता और मंत्री लगातार कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जनता में जिस तरह का एक संदेश जाना चाहिए, बिखराव की खबरें आ रही हैं। कुछ नेताओं ने इसे बिखराव भी बताया है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एकता नहीं है, बिखराव जैसी बात सामने आ रही है। पहले राजस्थान, फिर पंजाब और अब छत्तीसगढ़। क्या कांग्रेस में बिखराव देखने को मिलेगा या कांग्रेस एकजुट है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अखिलेश तिवारी जुड़ चुके हैं रायपुर से। अखिलेश, ये जो पूरा आज घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, बैठक हो रही है दिल्ली में, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, जिस तरीके से सियासत गर्माती नजर आ रही है, लगभग 1 सप्ताह हो गया है इस तरीके से सियासत चलती जा रही है। और यहाँ तक कि जितने भी विधायक हैं, हमेशा ये बात, कुछ दिनों पहले 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गए हुए थे टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, लेकिन पीएल पुनिया से बैठक के बाद, जैसे ही पीएल पुनिया के से बैठक हुई उसके बाद फिर मीडिया में बयान आया कि हम विकास की बात कर रहे हैं। आखिर किस तरीके से विकास की बात की जा रही है, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ करके सामने आता है। और विधायकों का एकाएक चले जाना दिल्ली बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। और इसके अलावा बात सुनने में ये भी आ रहा है कि कहीं जो 2.5 साल का जो मसला है वो पुनः स्थापित हो गया है, और 2.5 साल के जो मसले हुए उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से जो विधायकों का जमाड़ा जो दिख रहा है। और इसके अलावा जो यहाँ जितने जो बड़े नेता हैं और जो महापौर हैं, यहाँ तक के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको भी वहाँ बुलाया गया है, तो एक तरह की से शक्ति प्रदर्शन को भी देखने को मिल रहा है। और दूसरी ओर ये भी बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो बदलाव का जो रुख है वो एकाएक देखने को भी मिल रहा है। तो एक और 2.5 साल का जो फैसला है वो कहीं भारी न पड़ जाए, इस विषय को लेकर के भी काफी प्रतिक्रियाएं तो चल ही रही है। इसके अलावा विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार 2.5 साल का जो मौका है उसको लेकर के अपने कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं दिव्यांशु। तो एक और जहां देखने को मिल रहे हैं दिल्ली में, कई ऐसे भी सूत्र है जो बता रहे हैं कि कहीं 2.5 साल का जो मौका है वो लगातार टीएस सीधे के ओर जा रहा है। तो वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि किसान नेताओं ने बनाता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो अखिलेश, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, क्षमा कीजिएगा। हमारे साथ इस विषय पर एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक कटियार जी। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। अभिषेक जी, ये जो पूरा आज हमारे सामने घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, दिल्ली में बैठक चल रही है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को मैं दो पहलुओं पर देखता हूँ। पहली बात तो यह है कि जब सरकार बनी थी और उस वक्त काफी लंबा समय लिया गया था यह निर्णय लेने में कि मुख्यमंत्री कौन होगा। टी एस सिंहदेव, भूपेश बघेल और तामदस साहू, ये तीन नाम थे। और बहुत लंबी मैराथन बैठक और कई चर्चाओं के बाद में भूपेश बघेल का नाम आया था। और उस वक्त हल्की सी ये सब गुगाहट हुई थी कि शायद ढाई ढाई साल के कार्यकाल की कुछ बात हुई, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई थी। जी। और अभी जैसे ही ढाई साल का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके पहले से ही कुछ ऐसी हवा में खबरें उठने लगी थी। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसी कोई चर्चा हुई थी, मतलब ऐसा कोई वादा किया गया था, वो भले ही आधिकारिक रूप से ना होकर गुप्त रूप से किया गया होगा, तो उसको पूरा किया जाना चाहिए था बिना किसी विवाद के। और यदि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था, जिसका कि अभी टी एस सिंहदेव भी ऑन कैमरा कभी भी मीडिया के सामने इस चीज की पुष्टि नहीं कर रहे, इस पे बात हुई थी, बल्कि वो यही बोल रहे हैं कि ये सब मीडिया के द्वारा फैलाई गई बातें हैं, तो एक सवाल ये भी उठता है, जब एक तरफ वो ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर असंतोष किस बात का? अभिषेक जी, ये अभी हाँ बताएं जी। अभिषेक जी, आप इसे कैसे देखेंगे, जनता में किस तरह का मैसेज जाएगा? जनता में अगर ऐसा होता है कि ढाई ढाई साल वाले फॉर्मूले को अगर लागू किया जाता है, तो जनता में किस तरह का मैसेज जाएगा? देखिए, जनता में तो ये बात एकदम जग जाहिर है कि सकारात्मक रूप से ही अभी तक का जो कार्यकाल रहा है भूपेश सरकार का, वो बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब जो वादे किए गए थे वो सारे पूरे हुए हैं, तो जनता तो इस रूप में देखती कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ऐसी ये सारी चीजें बीच में क्यों आई, इस तरीके के विवाद क्यों आए? अभी जो हालिया विवाद हुए हैं कुछ, जैसे वो बृहस्पति सिंह का विवाद हुआ और फिर टी एस सिंहदेव के समर्थकों का दिल्ली में जाकर नारेबाजी करना, तो कहीं ना कहीं जनता में एक संदेश जरूर जाएगा कि कांग्रेस में अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं एक आंतरिक जो है लोकतंत्र की बात है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रही है। अभी हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, अभी देखिए पंजाब में भी घटनाक्रम बदल चुका है, वहां पर भी सिद्धू विद्रोह में आ चुके हैं और वहां पर भी सही चीजें नहीं चल रही है। तो कुल मिला के जनता में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। सब कुछ जब अच्छा चल रहा है तो उसको बिना किसी विवाद के अच्छे से ही संपन्न हो जाना चाहिए, ऐसी एक संभावना व्यक्त की जाती है। जनता ऐसा सोच रही होगी, और खासकर से वो लोग जो जिन्होंने अपना वोट देकर भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस की सरकार बनाई थी, तो जनता में एक सही संदेश नहीं जाएगा। तो अभिषेक जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जनता ये चाहती है कि भूपेश बघेल ही सीएम बने रहे? नहीं, मैं देखिए कुल मिलाकर ये बात कैसे सिद्ध होगी कि वास्तविकता में हुआ क्या था? अगर वर्तमान कांग्रेस का आला कमान इस बात को जनता के सामने रख देता है कि जो बात भी तय हुई थी हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उसी के अनुसार चल रहे हैं, तो जनता पर कोई गलत संदेश नहीं जाएगा। लेकिन जो दो पहलू निकल कर आए हैं कि पी एस सिंहदेव का एक तरफ बयान आता है कुछ दिनों पहले कि ढाई ढाई साल की बात हुई थी, टीम का कैप्टन हर कोई बनना चाहता है, अभी बयान आया, और साथ साथ वो ये भी बात करते हैं कि ये मीडिया के द्वारा फैलाई बात है, तो एक जो कंफ्यूजन सा फैल रहा है उससे जनता में अविश्वास है कहीं ना कहीं कि ये चल क्या रहा है। और जनता के साथ अगर जब अच्छा हो रहा है तो वो अच्छा ही होने देना चाहती है। मेरा कहना यही है कि मुख्यमंत्री कोई भी रहे, लेकिन किसी भी तरीके का नेतृत्व को लेकर अगर विवाद होगा तो जनता के मन में कहीं ना कहीं एक अविश्वास पैदा होगा, वो अविश्वास नहीं होना चाहिए। अपेक्षाएं जनता को कांग्रेस गवर्नमेंट से हैं और शायद भूपेश। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रवि घोष जी, महामंत्री कांग्रेस। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। जी थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार रवि जी। रवि जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, आज जो बैठक हुई है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? अब हाईकमान का जो आदेश होगा हम पालन करेंगे। जी रवि जी, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, ढाई ढाई साल का जो फॉर्मूला है, अगर ये लागू होता है तो आपको क्या लगता है कि जनता में किस तरह का मैसेज जाएगा, किस तरह का संदेश जाएगा? नहीं, ढाई ढाई साल का तो मीडिया में है, बाकी पार्टी लाइन में तो बात हुई नहीं है। रवि जी, सूत्रों के हवाले से ये पता चला था कि जब सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में, तो इस तरह की बात हुई थी कि ढाई साल मुख्यमंत्री कोई और रहेगा और फिर ढाई साल बाद मुख्यमंत्री बदला जाएगा। नहीं, 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 ये जानकारी हमको पार्टी लाइन से नहीं मिला। लेकिन अभी जिस तरीके से बातें हो रही हैं, घटनाक्रम चल रहा है, दिल्ली में भी बैठक अभी चल रही है, बुलाया गया है और 50 से ज्यादा विधायक वहां मौजूद हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट इशारा है, संकेत तो मिल रहा है किस तरह की बातें हो रही हैं, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? हाईकमान जो आदेश करेंगे हम उनके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं।
जी, तो आपको लगता है कि मंत्री टीएस सिंहदेव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं नहीं, वो हमारे लिए जो सर्वोपरि है हाईकमान जी। और जनता का क्या? देखिए, जनता ऐसे किस तरीके से देख रही है, कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, इस तरह की बात सामने आ रही है कि जनता... काम आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार का गांव के लिए तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जी जी, तो रवि जी, संदेह नहीं है। आप ये मानते हैं, आपका कहना ये है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही सीएम बने रहे, ऐसा? नहीं, बनना चाहिए। जी जी, तो आपका कहना यह है कि उनके कार्यकाल में काफी अच्छे अच्छे काम हुए हैं, तो उन कामों को देखते हुए और उनके कार्यशैली को देखते हुए उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहिए, ऐसा? हाँ, बनना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय तो हाईकमान का रहता है सर। जी, जी जी, लेकिन यदि टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो फिर आप उसे किस तरीके से देखेंगे? नहीं, हमारे लिए तो सर्वोपरि है वो हाईकमान का आदेश, हाईकमान का निर्देश। जी रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो इसी विषय पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो हेड विभाष कुमार झा। विभाष जी, विभाष जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, थोड़ा लाउड बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा। विभाष जी, ये जो पूरा घटनाक्रम आज चल रहा है, दिल्ली में बैठक हो रही है छत्तीसगढ़ को लेकर के, छत्तीसगढ़ की सियासी उठापटक को लेकर के, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, राजनीति में जो भी व्यक्ति काम करते हैं जी, वो जिसकी पार्टी में काम करे वहाँ अगर सरकार उन्हें बनाने का मौका मिलता है जी, तो शीर्ष पर जाने का हर व्यक्ति का सपना होता है जी। और ये सिंहदेव भी 70 बरस से ऊपर के एक नेता हो चुके हैं, पिछले 45-50 साल से राजनीति में है, तो वो भी सोचते हैं कि एक बार उन्हें मुख्यमंत्री बनने के का मौका मिलना चाहिए, वो भी अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम कर सके। और जब सरकार बनी थी तब भी ये बार बार मीडिया में चर्चा होती रही कि 2.5 साल के फार्मूले के तहत ही पहले भूपेश बघेल को यह मौका दिया गया था और दूसरे 2.5 साल में टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन फिर 2.5 साल के बाद ऐसी स्थिति बनी कि लगातार दोनों पक्षों के बीच एक रस्ता कशी चल रही है, तो इसी को ही शांत करने के लिए पार्टी हाईकमान के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि अब पार्टी को एकजुट रखा जाए और जैसे मध्य प्रदेश में सरकार उनसे हाथ से निकल चुकी है, ऐसी कोई नौबत छत्तीसगढ़ में नहीं आने पाए। जी तो जी विभाष जी, आपको क्या लगता है कि क्या टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बन जाएंगे? अभी तक जो दिल्ली से जानकारी हमें मिल रही है, जो कुछ पार्टी के विधायक बिना नाम उजागर किए बताना चाहते हैं, हम आपस में बता दिया करते हैं, या जो और भी हमें सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि सिंहदेव जी के नाम पर लगभग बात तय हो चुकी है। अब ये कि भूपेश बघेल एक बड़े नेता है और जन नेता है, जनाधार वाले नेता है, और उन्होंने पार्टी को जिताया भी है, तो उनके योगदान को छोटा नहीं किया जा सकता, उनके कद के बराबर कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी ताकि उनका जो व्यक्तित्व है उसके साथ न्याय किया जा सके। और जो पार्टी को उन्होंने एक दिशा दी है, एक 15 साल हार के बाद सत्ता दिलाई है, तो ये कोई छोटा मोटा योगदान नहीं होता। और टीएस सिंहदेव भले ही मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन इससे भूपेश बघेल की राजनीति, उनका कद, उनका व्यक्तित्व, उनका योगदान जरा भी कम नहीं होता। तो पार्टी को ये सोचना होगा कि ऐसे जनाधार वाले नेता को कैसे कोई बड़े पद पर संतुष्ट किया जाए, ताकि भविष्य में जब कभी भी कांग्रेस को फिर से चुनाव में जाना हो, आखिर चेहरा कौन सा होगा जिसकी बदौलत वो चुनाव जीतेंगे, तो भूपेश बघेल एक बड़े नेता है, तो उनके सम्मान का ख्याल रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी विभाष जी, लेकिन अगर टीएस सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो आगे की स्थिति क्या होगी? ऐसा तो नहीं है कि वो इस्तीफा दे देंगे? नहीं, उन्होंने हमारी से भी उनसे जब कई बार मुलाकात हुई तो वो इस विषय पर तो बात करने से कतराते हैं, उन्हें लगता है कि वो अगर वो पद के बारे में कोई बात करेंगे तो पार्टी अनुशासन के खिलाफ बात हो जाएगी। बड़े शालीन व्यक्ति हैं टीएस सिंहदेव जी, तो वो क्या है कि इस पर कभी बात नहीं करते, कहते कि नहीं, जैसे पार्टी हाईकमान का निर्देश होगा वैसा काम करेंगे, और वो पार्टी छोड़ने के बारे में, किसी और से बात करने के बारे में जरा सा भी कोई ऐसा हिंट नहीं करते किसी के भी पत्रकार को, ताकि कहीं कोई मुद्दा बने, ये वो शालीनता, ये दूरी बनाकर रखते हैं, ये मैंने भी देखा है। लेकिन जैसा उन्होंने कहा है कि जब हमारी बातचीत हुई थी 16 दिसंबर 2018 को रात 11:30-11 बजे दिल्ली में राहुल जी से, सोनिया जी से, पार्टी के बड़े नेताओं से, वेणुगोपाल जी से, ये तय हुआ था कि भाई दोनों नेताओं को संतुष्ट किया जाएगा, तब ये लगा कि भूपेश बघेल को पहला मौका दिया जाना चाहिए। तो सिंहदेव जी ने सोचा कि ठीक है, हमें बाद में मौका मिल जाएगा, उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बात आई गई हो गई।
मीडिया में ये बात लगातार चलती रही है। ये जो शालीनता है जो की, मैं समझता हूँ पार्टी इसका भी ध्यान रखेगी, और यदि उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलता है तो फिर उनके सम्मान के लिए क्या किया जाएगा, या अभी क्या हम तो कहना हमारे लिए जल्दबाजी होगी। लेकिन हमें राहुल गांधी के साथ जो उनकी मीटिंग अभी हो रही है इसके नतीजे तक हमें इंतजार करना चाहिए। विभाष जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को जनता भी देख रही है और कहीं ना कहीं एक संदेश जनता में भी जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का संदेश जा रहा है जनता में? देखिए, अभी कांग्रेस के सामने बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है जी, 4-6 महीने बाद, और पार्टी को पंजाब में पहले से ही इस तरह का एक विवाद का माहौल देखना पड़ा जब सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच ये विवाद चल रहा था राजस्थान में। सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना के वो विवाद को शांत किया गया। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच विवाद चली रहा है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता खो चुकी है कमलनाथ जी के मामले में, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता को इग्नोर करने का जो उनको एक खामियाजा भुगतना पड़ा, तो कांग्रेस की बात फूक फूक कर कदम रख रही है, और सिंधिया जैसे नेता को भी एकदम से इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने भी पार्टी के लिए बहुत काम किया है ना, पार्टी के नेताओं को जो सपोर्ट करना। देखिए, जन घोषणा पत्र जिसकी बदौलत कांग्रेस जीती है ये पीएस सिंधिया का बनाया हुआ है जी। इतना जो ब्यूटीफुल, इतना जो कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट उन्होंने बनाया, वो पढ़े लिखे संजीदा रखते हैं, देश दुनिया की खबर रखते हैं और बुद्धिजीवी हैं, लिखते पढ़ते हैं, तो ऐसे समझदार व्यक्ति को भी इग्नोर करना तो मुश्किल होगा पार्टी के लिए। और ये जनता तक भी मैसेज जाना चाहिए कि पार्टी में सब कुछ गड़बड़ नहीं है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि पहले भूपेश बघेल को मौका मिला, और अब अगर सिंधिया को मौका मिलता है ये कोई अनहोनी बात नहीं है। राजनीति में, लोकतंत्र में ये सब होता रहता है। ये पार्टी ऐसा मैसेज देना चाहेगी जनता के सामने। जी विभाष जी, मतलब ये समझा जाए विभाष जी कि जो पंजाब में हुआ, जो राजस्थान में होते होते बच गया और जो मध्य प्रदेश में हो गया, वो वैसा डैमेज छत्तीसगढ़ में ना हो उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, एग्जैक्टली यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ दोनों नेता बहुत मजे हुए हैं, सिंहदेव भी और भूपेश बघेल भी। तो मुझे जानते हैं कि हम पार्टी की बदौलत ही इतने बड़े नेता हैं, तो वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जो सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा था या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कदम उठा लिया, ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये कांग्रेस का गढ़ है, ये दोनों नेता कांग्रेस के हैं, बहुत लॉयलिस्ट हैं और दोनों बहुत ही समझदार नेता हैं। ये किसी भी तरह से अपने राज्य की तो कोई कुठाराघात नहीं करेंगे, ये इंतजार करेंगे अपने समय आने का। और भूपेश बघेल तो 2.5 साल में प्रूफ कर चुके हैं कि कितने बड़े नेता हैं वो। आज देखिए, 50 से अधिक विधायक उनके साथ हैं और 70 विधायक जीत करके उन्होंने एक बड़ी मजबूत सरकार दिलाई है। और इसके पहले भी कांग्रेस के लिए वो अलग अलग राज्यों में जाके बड़ा काम कर चुके हैं। देखिए, ओबीसी का बड़ा चेहरा है भूपेश बघेल आज राष्ट्रीय राजनीति में। जैसे लोग नीतीश कुमार का नाम लेते हैं अगर जनता दल यूनाइटेड में, तो कांग्रेस भूपेश बघेल है। तो इस बात नहीं करना चाहिए कि भूपेश बघेल एक बड़े नेता है और जहां भी रहेंगे पार्टी की मदद करेंगे वो। तो ऐसा नहीं कि बघेल को हटा दिया जाएगा तो ये सीधे उससे बड़े हो जाएंगे। दोनों नेता अपने अपने ढंग से हैं, और उसके अलावा भी दो और नेता है, ताम्रध्वज साहू और डॉक्टर चरणदास, ये दोनों नेता भी है। जी विभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आज का दिन काफ़ी अहम है। इस वक्त जो बैठक चल रही है, प्रियंका गांधी और पीएल पुनिया की मौजूदगी में बंद कमरे में एक बैठक चल रही है, और कांग्रेस के कई विधायक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ का सियासी पारा गरमाया हुआ है, सियासी गलियारों में ये हलचल जो इस वक्त मची हुई है कि क्या 2.5-2.5 साल के फॉर्मूले को अपनाया जाएगा, क्या TS सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे या CM भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज इस बात का फैसला हो जाएगा, इसे लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी इसे लेकर के लगातार तंज कस रही है, कई बीजेपी के नेता इसे लेकर के तंज कस रहे हैं। लंबे समय से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ बागी रुख काफ़ी समय से अपनाया जा रहा था। कई तरह की घटनाएँ वहाँ पर हुई छत्तीसगढ़ में, इस तरह की घटनाएँ हुई जिन्हें लेकर के ये बात अब सामने उठ रही है कि 2.5-2.5 साल के फॉर्मूले को अपनाया जाए। इस तरह की भी बात सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जो रुख है वो कहीं ना कहीं मंत्री TS सिंहदेव की तरफ है, तो वहीं CM भूपेश बघेल भी लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके समर्थकों का जमावड़ा दिल्ली में देखने को मिला है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा गरमाया हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि कांग्रेस को जो मध्य प्रदेश में झेलना पड़ा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई, कमलनाथ की सरकार गिरी,
ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, तो वहीं पंजाब और राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे कंट्रोल कर लिया। छत्तीसगढ़ में वो चीज़ ना हो, इसे लेकर के लगातार कांग्रेस प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार में तनातनी की खबरें तो कई दिनों से सुर्खियां बन रही थीं, और अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ आ गया है। मंत्री टीएस सिंहदेव 4 दिन से दिल्ली में ही हैं, और कांग्रेस हाईकमान ने भूपेश बघेल को भी चर्चा के लिए दिल्ली बुला लिया है। तो दो बड़े नेता, छत्तीसगढ़ सरकार के दो बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, और कांग्रेस के 30 से ज़्यादा विधायक भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। राज्य के कई महापौर भी दिल्ली रवाना हुए हैं। कांग्रेस आलाकमान के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ मुलाकात भी हुई है, और खबरों के अनुसार इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक का क्या नतीजा निकलता है। तो एमकेएन के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। अब आप एमकेएन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए एमकेएन के साथ। नमस्कार।